यूपी एटीएस की टीम ने 5 राज्यों से दर्जन भर से ज्यादा संदिग्ध मुस्लिम नौजवानों को खूंखार आतंकी संगठन आईएस यानी इस्लामिक स्टेट से जुड़े तार होने के शक में गिरफ्तार किया था। वहीं यूपी के जिले बिजनौर में भी मुफ्ती सहित 4 मुस्लिम नौजवानों को एटीएस अपने साथ ले आई, जिसमें से 3 लोगों को तो अगले ही दिन छोड़ दिया गया, जबकि मुफ्ती फैजान व नाजिम अभी भी एटीएस की गिरफ्त में है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने भी साफ तौर से पुष्टि कर दी है कि बिजनौर से एटीएस द्वारा मुस्लिम नौजवानों से पूछताछ की गई है, जिन्हें अब योगी सरकार आतंकी संगठन से जुड़ने वाले जवानों को सुधरने का एक मौका देकर उन्हें उनके घर वापस कराने जा रही है, ताकि वो भी समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। बिजनौर के नहटोर इलाके में रहने वाला एक नौजवान युवक अभी यूपी एटीएस टीम के गिरफ्त में है। युवक नाजिम पिछले 2.5 साल से मुंबई की पेय पदार्थ कंपनी में पैकिंग का काम करता है। हालांकि परिवार वालों से पूछे जाने पर उनका यही कहना है कि वैसे तो इनका बेटा बेकसूर है, लेकिन फिर भी अगर ये आतंकी से जुड़ा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पेप्सी का काम करता था, वो बच्चों का जो फौज होता है जी, 1 रुपए 2 रुपए वाला। अब ये क्यों उठाया गया, किस मामले में, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। जब ये पुलिस ने उठा लिया तो फिर मुझे इसकी जानकारी हुई। करीब 1 बजे मेरे पास फोन आया और उन्होंने मेरा नाम मालूम करा कि आपका नाम शमशाद है। मैंने जी, मैंने हमने आपके लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और हम आपको ये सूचना दे रहे हैं। और उन्होंने कहा एटीएस, ये मेरी समझ में नहीं आया ये क्या है, तो बस वो जी इन्होंने फोन काट दिया जी। भाई इतना ही मुझे पता चला, बस आगे से आगे कुछ नहीं पता क्या है। अगर कहीं ना कहीं ये कार्ड जुड़े हुए हो कहीं जी से, जी तो आप क्या चाहते हो, उसमें क्या होना चाहिए फिर उसका? सजा मिलनी चाहिए। अगर गलत है तो गलत है, मैं गलत का कोई साथी नहीं। और अगर निर्दोष है छोड़ दिया जाए। अच्छा, योगी सरकार ने पहल की है कि जितने नौजवान ये आतंकी उसमें जुड़े हुए हैं उनको रिहा किया जा रहा है, अगर निर्दोष है तो रिहा करिए, तो ये योगी सरकार की पहल आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। ये इधर पिछले कुछ दिनों में जैसा कि आप देख रहे हैं कई कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसमें ये बात सामने आई कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि नए बच्चों को भड़काकर और आईएसआईएस की तरफ और अन्य आतंकी मॉड्यूल की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इसे बचाने के लिए और समाज को ठीक ठाक रखने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उत्तर प्रदेश की तरफ से ये अभियान चलाया गया है, जिसमें ऐसे जो बच्चे हैं इनके बारे में पूरी जानकारी इनके परिजनों को दी जाती है कि आपका बच्चा जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है, किन किन लोगों के टच में है और वो क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है, और परिजनों के साथ साथ मिलकर जो है उनके सुधार के लिए, जिन्होंने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है या अपराध अभी उनका कोई ऐसा अपराध करा नहीं है और वो आकर्षित किए जा रहे हैं उसकी तरफ, कुछ लोग लगाए रहे हैं, तो उनके परिजनों से बातचीत की जा रही है, उनके सुधार का कार्यक्रम एटीएस यूपी की तरफ से चलाया जा रहा है। मतलब जैसे मुफ्ती फैजान को और तनवीर को बड़ा पोस्ट से गिरफ्तार किया गया था, कितने लोग छोड़ दिए गए और कितने भी एटीएस की हिरासत में हैं? एक्चुअली गिरफ्तार वहाँ 5 लोग यहाँ से थे, 5 लोग के नाम सामने आए थे जिनको पकड़ने की बात थी, जिसमें से एक व्यक्ति अरेस्ट किया गया है, बाकी 4 लोग थे जिनसे पूछताछ करके पुलिस ने छोड़ दिया। उनके परिजनों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई है और एटीएस द्वारा उनके बताया गया कि आपका बच्चा इस रास्ते पर जा रहा, आप इसको संभालें, उस पर नज़र रखी जा रही है और ये इसी जो अभियान है इसी का एक हिस्सा है।